सुंदर मुख है ए, गगन का चांद। सुना है आप बड़ी सुंदर है, आज तो वह माशरी होगा। ये लो दूध। मेरी सहेलियां कहती जब तुम मेरा खोगे तब मैं तुम्हें दूध। मगर तुम ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हो। सहेली घुट ओ बड़ी बुरी बात।
हेलो मिस्टर अमर, हाय, व्हाट अबाउट योर हनीमून? ओह इट वाज लवली। ओके, हाय हाय अमर। हाय ब्रह्मचारी जी, मैं तो डर रहा था कि अगर तुम हनीमून के सागर में गोते लगाते रहे तो सेठ करमचंद की नौका बीच भंवर में डूब जाती। तमाम वाकयात और हॉस्पिटल के सेट के बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, करमचंद पर लगाए हुए इल्जाम सारे गलत और बेबुनियाद है, लिहाजा दफा नंबर 125 दफा 4 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत देवी की फरियाद को नामंजूर किया जाता है। लेकिन ये बताओ तुमको सब मास्टर ब्रेंड डालेंग, अरे हम कमाई तो अच्छा ही था। हम कितने बच्चे पैदा करेंगे? अरे बाबा गवर्नमेंट को नहीं मालूम, हम हमारे और अगर उसका तीसरा चौथा हो गया तो कैसे हो जाएगा? अब दो के बाद तो आप भी से कर्म की तरह रूप धारण करना चाहते हैं आज? देखो डालें, अगर से रमजन नहीं बने तो पूरे क्रिकेट टीम पैदा हो जाएगी। सावित्री, अरे तोहार मुहिले की ढकनाई बंद, फिर हाट कहाँ से आवत है? तुम तो नी बुद्ध के बुद्धू रे, अरे वो अपने वकील साहब उनकी नई नई शी हुई है। सावित्री, ये सावित्री कहाँ है? उन दोनों की देखा देखी आज हम सुना तारा। चलो भी। अरे ले ले जान हमानी दिया। अरे हम कौनो किसी से नहीं है सावित्री। अच्छा अच्छा तू पी लो। अरे क्यों भाई रामनाथ, छुट्टी बना रहे हो? राम राम वकील साहब, दरअसल बात ये रही कि रात थोड़ा देर से सोए इसलिए सुबह आग देर से खुली, मगर ये क्या आप भी खुदा रहे हैं जी? अरे हाँ भाई, हम भी रात को देर से सोए थे। वकील साहब तू का कहते हलीमून? हाँ आप हलीमून मनाए गए रहे ना, तो राम जी की इच्छा हो गई, हम हमारी प्यारी का गम आए। अब हो गए चोट। अरे ओफो रामू, जल्दी मेरा गाउन ला दो। लाया मेम साहब। लाओ। उफ, 10:30 बज गए। छोड़िए ना या शाम, आपको हमेशा दिखाई देता है। अरे सावंधे को तो हमेशा हरा ही हरा सूझता है डार्लिंग। मेम साहब दूध उबा। छोड़िए ना, क्या मैं इतनी लगती हूँ? अरे नहीं आप बुरे कहा, प्रथम मर्द होते हैं जो दिन भर ऑफिस में पसीना बहाते हैं और रात रात भर अपनी बीवियों को मस्का लगाते हैं। बहस में कौन जीत सकता है? वकील जो ठहरे। अदालत तो अदालत में चलती है, अगर तुम्हारे सामने आते ही सर पे कोई दूसरा भूत सवार हो जाता है ना। लॉर्ड महाशय जी तशरीफ ले जाए, अब चलो। अच्छा, यहाँ से बाय बाय। और हाँ सुनिए, सुनाइए, शाम को सेकंड शो की टिकट लाना ना भूल, और 5 बजे घर आ जाए। आपका हुक्म सर अकबर देवी जी। अच्छा आप जाइए ना। आधा वर्ष है। तार को आफताब, बेगम महताब का शौहर कहते हैं। अच्छा तो आप हैं महताब के शौहर आफताब? आपकी बेगम साहिबा ने दरखास्त दी है कि आप उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल गलत है वकील साहब, हर माह बिला नागा खान गर्जे की जिंदगी की सारी जरूरियात नाचीज मुहैया करता है। यह सब तो ठीक है आफताब मियां, जिंदगी की इन जरूरतों से ज्यादा जरूरी एक और भी चीज है,
आप मुहैया नहीं करते। मैं समझा नहीं बंदा परवर। भाई आप शिकायत है कि आप घर बार छोड़कर तिम खाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वजह है, मगर इसमें हमारी बेगम साहिबा को क्या तकलीफ है। बात दरअसल ये है कि वो यतीम खाने का स्कूल है ना, मैं उसमें है, यतीम बच्चे मुझसे बेहद मानूस हैं, कम वक्त मुझे छोड़ते ही नहीं है। आधा वर्ष गोया क्या इकबाल है। शुरू जी, आपने अपने अपने बच्चों को यतीम बना दिया और आपकी बीवी जो आपके होते हुए एक बेवा की जिंदगी गुजार रही हैं, पर तवज्जो क्यों नहीं देते। लाहौल विला हुआ है जनाब, मेरे होते हुए मेरी बीवी बेवा की गुजार रही है। अरे कुछ होश हवास की बात की आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे भाई बीवी परस मालूम होते हैं, फिर इन पर ध्यान क्यों नहीं देते। ध्यान न देने की कुछ खास वजूहत। क्या आपने दूसरी शादी कर ली। तो क्या आप किसी दूसरी मोहतरमा से इश्क फरमा रहे हैं। लाहौल विलाखुवत वकील साहब, ऐसे नाजेबा जुमले तराशने से पहले आपको मेरी उम्र का ख्याल करना चाहिए था। तो फिर क्या वजह है कि 3 साल से आप घर से बाहर हैं और अपनी इस्मत तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। कोई बात नहीं भैया, कजा पढ़ लीजिएगा। हाय, तुमने कुछ सुना यार। क्या हुआ। रात सुनीता जी के घर पे डाका पड़ा, जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं। We must go, यार। Yes. What? आपके पास भी ब्लड नहीं मिलेगा? डॉक्टर, ये ब्लड भी मैच नहीं हो रहा है। Oh my God! What to do? How's Colonel Balbir? I'm so skilled में। किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। क्या करें? Would you try me? Okay. Come on. Oh my God! अरे सुनीता जी नहीं दिखाई दे रही, सुनीता जी कहाँ हैं? वो बड़ी अपसेट थी, सोने का इंजेक्शन दे दिया है, वार्ड में सो रही हैं। मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया, तुम ऐसा करो ये 2 टिकटें हैं रेनू को देना और उससे कहना मेरे के साथ जाके पिक्चर देखा है, मुझे देर हो जाएगी। ओके अच्छा। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आप कौन है यार? जी नहीं, रात सुनीता जी डाका पड़ा भाभी। सुनीता, ये सुनीता कौन है? वो भी हमारी तरह वकील है भाभी। लड़की उनके, है? उनके डैडी जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं। सुनीता अकेली है बेचारी, अमर भैया को ढारस बंधाने के लिए वहां रुक गए हैं। हाँ है, आप मेरी के साथ पिक्चर देख आइए, हो सकता है उन्हें आने में देरी हो जाए। बस चाय वाय पीजिए ना, फिर कभी पी लूंगा भाभी, अभी जरा जल्दी में हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मेरी के साथ पिक्चर चले जाओ। टपेट। मैरी पिक्चर देखा। क्यों राजेंद्र नहीं आया था? लेकिन उसके जाने के बाद मेम साहब बहुत गुस्सा हो गया और टिकट फाला और फिर रोते रोते सो गया। ओ। रेनू बड़ी जल्दी छोड़ दिया सुनीता देवी ने। अरे बात तो सुनो। सच्ची बात कड़ी लगती है ना, सुबह आते तो क्या फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ता? अरे मुझे तुम्हारी गोली लगी होती और तुम्हें फांसी। हाथ मत लगाओ। तुम बहुत शक्की हो। हाँ हाँ मैं शक्की हूँ, झकी हूँ, जो जी मैं कह लीजिए। मैं जानता हूँ रेनू तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, चलो तुम खुद ही पढ़। हाँ हाँ दीजिए मुझे गाली, दीजिए ना गाली। अरे मैं जानते हैं ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, फिर भी मुझे इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं। ये गाली नहीं तो और क्या है? I'm very sorry, darling. I'm very sorry. अच्छा तुमने खाना तो नहीं खाया मेरे बगैर? मगर आपने तो खा लिया होगा। क्यों, सुनीता देवी आने के लिए नहीं पूछा आपको? तुम कैसी बातें करती हो डार्लिंग, उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, इंसान के नाते मेरा फर्ज था उसकी मदद करना, दैट्स ऑल। ए नाराज हो ना, अब ठीक करता। अरे भाई कौन सा स्नान हो रहा है देवी जी, आज आधा घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मगर इनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ, जा रहा हूँ। और सुनो जरा ठंडे पानी से नहाना,
ताकि शाम तक तुम्हारे क्रोध की ज्वाला ठंडी हो जाए। सुन लिया? मेम साहब, साहब ने कल रात को भी खाना नहीं खाया और अभी भी बगैर नाश्ते के चला गया। जाने दो। माला झुलनिया का ढक्का सजने कल कत्ता। जय चाटा लगे ना कंकर। ये लो। अरे रानी, अरे तू इतना नाश्ता कर है कि खाना बनना ही करो। गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं, ठीक टाइम पे खाना खा लिया करो। तुम खाना नहीं खाओ तो हमार को सब पता चलता है। आए हाय हाय हाय, तू कहने ज्योतिष विद्या पढ़ा थी का? ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं। तो लैला मजनू की कहानी सुनी है? अरे खूब भाई खूब, उता बहुत मशहूर रहे। अरे जब मजू के मास्टर जी ओकर हाथ में सटासट बेत मारत रहे तो लैला ओकर हाथ की खाल खींचते, यही ना? ठीक उसी तरह, जब तुम खाना नहीं खाते हो ना और पेट में चूहे दौड़ते। अरे जियो रानी जियो, और मौज करो पान के पत्ते पर। अच्छा सुनो, कल रात हम देर से आए रहे ना तो हम ओवर टाइम कर लिया तो पैया और खटिया ठीक कराया, अब हम चली। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बेटर देन बिफोर। ओ अंकल, दुनिया बदल गई लेकिन आप जैसे थे वैसे ही रहे। चंचल रानी जी, आप चली आई हैं, आपको तुम छल्ला कहाँ है? तुम छल्ला? आई मीन योर वाइफ। आप बड़े वो हैं अंकल, हमेशा मुझे इसी तरह छेड़ते हैं। वो कभी मेरे बॉयफ्रेंड थे मगर अब तो हस्बैंड बन चुके हैं। अरे वही तो मैं कह रहा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। यू आर राइट अंकल, लेकिन सुनीता कहाँ है? हाँ सुनीता, सुनीता सुनीता, कोई जवाब नहीं, शायद बाथरूम में है। थैंक अंकल। आउच! अरे कम्बख्त इतनी जोर से मत दबा कि आंखें फूट जाए, छोड़। पहले छोड़ मेरा नाम बता। अरे ये तो मेरी सहेली है जो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है, चंचल की बच्ची। छोड़। फिलिस, हर मामले में तेरा ब्रेन रॉकेट के माफिक चलता है लेकिन एक ही बात में जीरो। उसे कहते हैं लव, मोहब्बत, रोमांस। अरे शादी करके देख, मजे में कर लेगा। अच्छा हुआ बड़ी बोर हो रही थी। बोर की बच्ची, तेरे से कोई प्यार नहीं करता है और तेरे B-A-L-L-B बेल, समझी वकील साहिबा? सिर्फ कानून और प्यार व्यार। इल्ले स्वामी, कहो तो प्यार का सब मैं सिखा दूं। ए चुप क्यों है? कुछ बता। क्या होता है प्यार? कैसा होता है प्यार? होता है प्यार, कैसा लगता है प्यार में? नमस्ते मोटूमल, क्या बात है अमर, बहुत जल्दी में हूँ आज। अरे भाई ग्रहदेवी नाराज, जाकर उन्हें मनाना पड़ेगा, उनकी खुशामद करनी पड़ेगी। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट की खुशामद तो करनी होगी। अरे रेनू, अंधेरे में क्यों पड़? ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। या तो नहीं रेनू? रेनू तो ये बात है। ये तो यहाँ है। हाय डार्लिंग, आइए, आप
आप लोग बैठो, हम सबको। अरे जरा संभल के। आहा, भाभी साहब, साहब आपका टेलीफोन। तुम बैठो जरा, मैं भी आया। अरे बैठो, मैं भी आया। हाँ भाभी जी, आप तो बड़ी खूबसूरत है, हरारों में एक हैं आप। आप लोग बैठे ना भाभी जी। ओफो भाभी जी, आप अपनी साड़ी तो नीचे कीजिए। बैठे ना आप लोग। आप भी बैठे। हाँ। बैठे ना। कैसी लगी बंबई आपको? Did you see Gateway of India? यानी इंडिया के, यानी कि हिंदुस्तान का दरवाजा। वो क्या है भाभी के अभी तक इन्हें घुमाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ भी कहो अमर, लेकिन भाभी है बड़ी खूबसूरत। कांग्रेस भाभी, कुछ भी कहो, आप है वन या वकील तो है ही, साथ में ग्रेवी। अरे हाँ, अगर इन्होंने वक्त पर आकर सुनीता के डैडी को खून न दिया होता तो वो बेचारी अनाथ हो जाती। अरे हाँ अमर बाबू, सुनीता का रोम रोम आपका एहसान मंद है, और वो भी आपकी बहुत तारीफ करती है। इसमें तारीफ की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। हाय अमर। हाय राजेंद्र भाई आ गए। नमस्ते भाभी, देख रही हो ना चंचल कितनी खूबसूरत भाभी लाया है अमर, जैसे स्वर्ग की अप्सरा। अगले हफ्ते आप हमारी पार्टी में जरूर आइएगा। आएंगी कैसे नहीं, इनके बगैर तो महफिल ही सुनी होगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। नमस्ते। ओह नमस्ते, लवली यार। चलो चलो, मेरी पार्टी में जरूर आइएगा। अरे बाप रे बाप, इतना समझाया, इतना मनाया, इतनी माफी मांगी, अगर आपकी नाराजगी का सिलसिला पत्नी होने में नहीं आता। ए, अब देखो डार्लिंग, तुम्हें बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़की आकर डांस करने की दावत दे तो मैं बुद्धू बना रहा हूँ? यू वॉन्ट एवरीबडी टू से दैट आई एम ब्लडी फूल? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता? अच्छा तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। ए, अब जरा हंस दो, जाओ एक चटपटा सा। वकील साहब, लड़का तो फांसी पे चढ़ गया और 6 साल से केस चल रहा है, मेरी खटिया खड़ी हो मेरी बाबू, तो कुछ मेहरबानी कीजिए वकील साहब। तो आज शाम को पार्टी में मुलाकात हो रही है ना? हाँ। अच्छा, ये कैसे कट रही है आपकी जिंदगी? आई एम वेरी हैप्पी, कभी इंतजार उसके बाद तकरार। सच पूछिए तो मजा शादी के बाद ही आता। अच्छा, गाड़ी रोकिए। क्यों? मेरा घर आ गया। ओह, आइए ना। नहीं सुनीता, बहुत देर हो रही है। डैडी, मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी तो अमर बात थी। आओ भैया, आओ हमारे साथ चाय पियो। जी नहीं, मैं ऑलरेडी कॉल लेट हूँ, घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। हाँ भाई हाँ, बीवी के हाथ की चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ओके सुनीता, बाय बाय। थैंक यू। अरे बाबा बाबा, क्या बात है, ब्यूटीफुल मार्वेलस कंप्लीट। बट यू लेट। वो जरा कहाँ रह गए थे तुम? वो डार्लिंग, मैं सुनी सुनीता देवी के घर पर है ना? नहीं डार्लिंग नहीं,
वो क्या हुआ, क्लाइंट आ गया। सुंदरलाल, सुंदरलाल साफ करने में जरा देर होगी। डार्लिंग मैं अभी चेंज करके आता हूं। चलो तैयार हो जाओ, चलो। हां तुम भी चलो। चलो ना। सुनीता, 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 कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मुझसे शादी की हो? हैप्पी बर्थडे। अच्छा तो हुआ, प्रोग्राम हो जाए। अरे हाँ यार, आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी नई नवेली प्यारी प्यारी भाभी से अनुरोध करती हूँ कि वो कोई फड़कता हुआ धड़कता हुआ गीत सुनाए। मुझे गाना वाना नहीं आता। भाभी जी प्लीज गा दीजिए ना प्लीज। भाई देखो, जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो गीत सुना दो। ओ भाभी जी। Oh,
वाह चंचल, मजा आ गया। गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन डांस कुछ 18वीं सदी का था। अरे धीरे बोल धीरे, वो मिसेस अमर हैं। चल चल, मैं तुझे बुलवा दूं। आ चल। वाह डार्लिंग, क्या डांस किया तुमने, कमाल। एक्सक्यूज मी सुनीता, ये है मिसेस अमर और ये है सुनीता देवी। नमस्ते। तो आए सुनीता देवी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरे श्रीमान जी बड़ी तारीफ किया करते हैं आपकी। जी आप बड़े खूबसूरत हैं, बड़े पढ़े लिखे और बहुत ही मिलनसार हैं आप। जी नहीं, आप बहुत ही कमजोर हैं। अक्सर आप अपनी चीजें भुलाया करती हैं। जी ओहो, जैसे क्या ये रुमाल, आपका दिल। रेनू चलो घर चले। चलते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। मामूली सी कोई बात नहीं, ये दवा तीन दे देना। थैंक मैरी, तुम जरा मेम साहब का ख्याल रखना, मैं डाले कर अभी आता हूँ। पानी 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 लो मेम साहब। मेरी साहब कहाँ है? आपका दवा लेने गए। सुनीता, आपको इस वक्त यहां आना चाहिए था। सोचा तो मैंने भी यही था कि कल कोर्ट में जाकर माफी मांग लूंगा, लेकिन लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने आप को नहीं रोक सका। कोई बात नहीं अमर बाबू, आपकी भी किस्मत वाली है जिन्हें आप जैसा पति मिला, जिसके प्यार के छांव में न जाने क्या कुछ वो बोलती रही और मैं चुपचाप सारी गालियां सुनती रही। काश मेरा भी कोई अपना होता, लेकिन इसमें की क्या गलती, आज तक किसी को अपना बनाने के लिए सोचा ही नहीं। वरना सुनीता चाहिए अमर बाबू, चले जाइए। मगर सुनीता साहब, अच्छा हुआ आप
आ गया। क्या हुआ? आपका के पीछू मेम साहब होश में आया। हमको पूछा साहब किधर गया, हमने बोला आपका दवा ले गया। ये सुनकर बहुत गुस्से में आया, चादर उठा कर फेंक दिया और उठ के खड़ा होकर किधर जाने को लगा। हमने बहुत रोका साहब, लेकिन उसे सुना नहीं, टैक्सी में बैठ कर किधर गया मालूम लग गया होगा साहब। हेलो सुनीता, हाँ तुम्हारा रेनू तो नहीं आई? नहीं, कोई बात नहीं, गुड नाइट। अग किती चांगली बाई होती ना, कशासाठी जीव दिला ना आपला। अग इथे आपले वकील साहेबची बायको आहे। वकील साहेब दरवाजा खोलिए, वकील साहेब, वकील साहेब दरवाजा खोलिए। वकील आपका मेम साहब। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी भैया, ये लीजिए। नहीं नहीं साहब, ये अपना धर्म नहीं साहब, मैं आपका मंगलसूत्र साहब। राम राम साहब। राम राम, राम, राम साहब। मैरी कुछ तोड़ने के लिए लाओ जी। जल्दी दो मुझे, जाने दो मुझे। अरे कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ तुम भेजना चाहते हो। मैं भेजना चाहता हूँ? छोड़ दो। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ गए थे? मैं दवा लेने गया था। मेरी दवा लेने? मेरी वो दवा। जाने दो। देखो रेनू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। छोड़ दो मुझे। रेनू मेरी बात सुनो, ये लो ये दवा पी लो और आराम से सो जाओ। पी लो मेरे साथ। ये दवा मैं पीऊं? हाँ झूठ बोला था तुम्हारी बदमिजाजी के डर से, और उसके घर गया था तुम्हारी तरफ से माफी मांगने के लिए। सच? हाँ सच। खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम? अम्मा अदा करो तुम फिर कभी सुनीता के घर नहीं जाओगे? हाँ लेकिन जरा जरा सी बात पर शक करना और आज के बाद यहाँ सुबह बिल्कुल बंद। तुझसे छिड़ू मैं ना, मुझसे भी छिड़े तू। हर युग का ये साथी, हर युग का ये सच है, प्यार बिना जग सुना, प्यार ना जमुना। मिलके तुझसे बिछू मैं ना, मुझसे बिछड़े तू ना। मिलके तुझे बिछड़ू
का ये सच है स्थिति, हर युग काल में है साथी, प्यार बिना सुना सुना, प्यार बिना जग सुना। धरती से वो अंबर लिपटी है लहरों से मेरी, लहरों से वो सागर, कलियों के लब चूम के भोरे कहते हैं ये हंसकर, कलियों के लब चूम के कहते हैं ये हंसकर, प्यार बिना जग सुना सुना, प्यार बिना जग सुना। दुनिया का गुलजार प्यार के आगे भी बना है अफसाना, प्यार के फूलों से निकला है दुनिया का गुलजार, प्यार के धागे में ही बंधा है ये सारा संसार, मर के मर जाए इंसान के सच्चा प्यार, मर के मर हो जाए इंसान साथी, प्यार की एक ही मंजिल, इसे प्यार में सब कुछ खोकर होता है कुछ हासिल, प्यार की लय में डूबे ही तो एक हो जाए दो दिल, प्यार की लय में डूबे ही तो एक हो जो दिल, प्यार बिना जग सुना सुना, प्यार बिना हम
यहाँ कैसे आए? तुम्हारी कार पेड़ से टकरा गई थी, तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अमर, ये सब क्या है? भगवान क्या चाहता है? मैं जितना ही तुमसे दूर जाना चाहती हूँ उतना ही मैं इतनी देर चलवा दी, ये सब क्या है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? अरे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? अरे कुछ नहीं हुआ, वो क्या हुआ, आंधी और बारिश हल्की गिर पड़ी थी, उस बेचारे का सर फट गया, उसके सर से खून बह रहा था, कोई मदद करने के लिए भी नहीं था, तो मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी और उसे उसके घर छोड़ दिया। तुम्हें तो सुकाम हो गया है, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। चलो। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे नाम से क्या काम प्यार कर लीजिए, ओ नाम से क्या काम प्यार कर लीजिए, धड़कता दिल हाय भड़कता दिल, बहकता दिल 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 मचलता दिल, कम लाए हैं यहाँ ये मौका फिर कहाँ। उधर रखिए ना हमसे नजर रखिए, तुम जैसे नौजवान रोल बाते यहाँ, आप है ना आप सुन लीजिए, हर नाम से जा काम प्यार कर लीजिए। अरे तौबा 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 हुजूर की बातें, हमसे यूं न कीजिए गुरूर की बातें, अरे तौबा 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 हुजूर की बातें, हमसे यूं न कीजिए गुरूर की बातें, जवां हम तुम जवां महफिल मिला लीजिए ये दिल से दिल, यही दिन है मोहब्बत के जमाने हैं कयामत के, अरे नाम से क्या काम प्यार कर लीजिए, अरे नाम से क्या काम प्यार कर लीजिए। जलवे भी शराबी है, आप है ना धान आप।
पर सुनिए जो जवानी में प्यार नहीं करते, सुनी सुनी जिंदगी में रंग नहीं भरते। अरे सुनिए जो जवानी में प्यार नहीं करते, अरे सुनी सुनी जिंदगी में रंग नहीं भरते। सब कहने की बातें जहाँ भी गुल महकते हैं वही भंवरे ये कहते हैं, ये नाम से क्या काम प्यार कर लीजिए, अरे नाम से क्या काम प्यार कर लीजिए। मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। एनु, किसे मार डाला? मैंने उसे मार डाला, मैंने पतिता को मार डाला। एनु, एनु, होश में आओ रेनु। बड़ा भयानक सपना था। सपने तो सपने ही होते हैं, आओ सो जाओ। हेलो, हेलो, मैं कर्नल बलवीर सिंह बोल रहा हूँ, सुनीता का डैडी। अमर बाबू घर पे हैं? जी हाँ, बाथरूम में नहा रहे हैं। कल तूफान में सुनीता का कार एक्सीडेंट हो गया, अमर बाबू ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली और दमपट्टी करके घर ले आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कल रात घर बहुत देर से पहुंचा इसलिए टेलीफोन ना कर सका। अमर बाबू आए तो उनसे कह दीजिए कि मेरा टेलीफोन आया था। जी हाँ, मैं कह दूंगी। तो साहब ने झूठ बोला। एनो, आओ डार्लिंग जल्दी से नाश्ता कर ले। हाँ हाँ, जल्दी से कर लीजिए, आपको देर जो हो रही होगी, आपका कोई इंतजार जो कर रहा होगा। क्या हो गया तुम्हें, सवेरे सवेरे क्यों उल्टी सीधी बातें कर? मुझे क्या हो गया है, अपने आप से पूछिए, कल किस लड़की को तूफान से बचाकर आपने उसकी मरहम पट्टी की थी? अरे भाई, थी वो एक लड़की, मुझे क्या मालूम कौन थी, तुम तो बस यूं ही खामखा कुछ भी सोचती रहती हो। तो आप नहीं जानते उस लड़की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनीता देवी को आप नहीं पहचानते, ये झूठ किस लिए? अगर इतना ही प्यार है उसे तो ले आइए, कर लीजिए उसे शादी, दे दीजिए मुझे तलाक। ओफ रेनू, मेरी बात तो सुनो तुम। हाथ मत लगाइए मुझे, कोई बात नहीं सुननी है मुझे आपकी। हाय 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 लबिया, अरे तू तो हमारी जान ले ली रे। करता है? अरे बजरंग बली की कसम, चल हटो। अरे काहे हटब रे। अरे गुलाबिया, अरे हमको बचा इनसे रे गुलाबिया। अमर, क्या बात है यार, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आर यू सिक? ओ माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है यार, अगर कोई केस होगा तो मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी, यू गो होम, प्लीज गो होम। हाँ,
वाह बहुत अच्छा, क्या बात, क्या कहा है, अबकी बार तो आपको सुनाना पड़ेगा। सुना दीजिए ना पहले। देखिए अबकी बार बच नहीं सकते आप, इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। आजकल अमर कुछ डिस्टर्ब नजर आता है। आपको मालूम नहीं घर में अनबन चल रही है? किससे? मियां बीवी की और किसकी? बेचारा बीवी। क्या हुआ साहब? अरे आपको तो बहुत बुखार है साहब। मेम साहब, मेम साहब क्यों शोर मचा रही है? मेम साहब, साहब को बहुत तेज बुखार है। तो बुला सुनीता देवी को, उसे देखते ही इनका बुखार उतर जाएगा। मेम प्लीज एक बार आके हाथ लगा के तो देखो। अगर मेरा हाथ लग गया ना इन्हें तो डबल निमोनिया हो जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी। मैं बुरी हूँ, खराब हूँ, इनके काबिल नहीं। इनके दर्दे दिल की दवा तो सुनीता देवी है, उस करके बुला ताकि तेरे साहब की रात आज अच्छी तरह से गुजर जाए। राम राम वकील साहब, क्या सोच रहे हैं? राम राम, कैसे हो रामधन? अरे एकदम चकाचक, हमारी प्यारी के हाथ का रोटी खा के 10 किलो वजन बढ़ गया अपना, तो हमारे घर में बचवा पैदा हुआ है। अच्छा? अरे बड़े खुशी की बात है, मुबारक। अरे मुबारक तो ठीक है वकील साहब, हमारे घर में तो छोटा पंडित आया। अभी बतावा दुनिया के कोर्ट में छोटे वकील साहब कब आवेंगे? अच्छा तो वकील साहब हम जाते हैं, नमस्ते। अच्छा साहब आप बाहर मत जाओ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। आराम है इस घर में? तुम जाओ अपना काम करो। शौक के खातिर पीता है। बेवड़े, गेट आउट। हट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। गेट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, गेट आउट। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आई एम जस्ट कम। बात नहीं पियो, मेरे दोस्त हो पियो, जमाने वालों ने महकश का एहतराम किया, सुराही झुक गई, पैमानों ने सलाम किया, पियो मेरी जान हो पियो। Come on, hurry up, finish some drinks, please. We are going to close now. It's too late.
सन उठो उठो घर जाओ। घर किसका घर कौन सा घर? हमारा कोई नहीं कोई अपना नहीं। चल गया सब कुछ चल गया। आंटी आंटी अब मैं हूं और मेरी बोतल। देखो बेटा ये शराब है ना ये हम सबको रोज लाता है लेकिन हम खून के घूट पीता है। हमारा टोनी हमको इतना प्यार करता था ये शराब उसको ले गया हम अकेला रह गया। सन तुम पियो सन तुम मत पियो तुम अच्छा भाई है यू अ गुड बॉय मत पियो इधर कभी मत आना सन कभी मत आना घर जाओ सन मत पियो सन घर जाओ बेटा कम हियर घर जाओ सन घर जाओ उठो उठो सब छोड़कर आओ गाड़ी तक छोड़कर आओ। बाय बाय सन बाय बाय इधर नहीं आना सन नहीं आना। अरे वकील साहब सलाम वकील साहब लगता है गाड़ी खराब हो गई है आपकी आइए बैठिए पहुंचा देता हूं आप ना? चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। अभी हम तुम्हारे पैसे भेजते हैं। मेम साहब आ गया है। दरवाजा मत खोल मेरे घर में दरवाजा मत खोल। मेरे घर का दरवाजा मुझ पर ही बंद चलू साहब जहन्नुम में चलो। बहुत अच्छे साहब। मराऊं क्या बात है दाने जिगर हम नहीं लेता हम नहीं लेता। इस महफिल को आदाब बजा लाती हूँ। अरे मुन्ने भाई रोशनी तो करो यूं तो महफिल सूनी सूनी नजर आते। जरा ठहरी इत्मीनान रखिए शमा रोशन होगी चांद भी निकलेगा। हाय हाय मुन्ने भाई जब चांद निकलेगा तो रोशनी होएगा। आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। जलने दो दिल संभलने तो दो शम्मा
सुना चांद आंच से भी निकल आएगा। रात ढलने दो दिल संभलने तो दो शम्मा जलने दो। कौन पड़ा हुआ है? अभी तक गया नहीं? बेस्ट ऑफ लक यंगमैन, बेस्ट ऑफ लक। मौसी, हुजूर, मैंने कहा महफिल खत्म हो चुकी है, तशरीफ ले जाइए। कहाँ जाऊँ, मौत भी तो नहीं आती, खुदकुशी कर नहीं सकता, गैर कानूनी है, जुर्म है। गैर कानूनी जुर्म? सुनिए, ओ तो वकील साहब आप हैं। मौसी, ओ मौसी, जरा इधर तो आना। बहुत दिन पुराना करना है अपना वकील साहब। चलिए आइए आइए, आपकी बहुत अच्छी तरह से खिदमत करती हूँ, आइए ना। चलो और पीएंगे उधर? जरूर पीएंगे।
मासी जरा अच्छी वाली शराब भेज देना, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान हैं वकील साहब। ताज्जुब है, बाजार में मैंने पहली बार कदम रखा है। फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? गौर से देख वकील साहब, जिस औरत के अरमानों के महल को निखंडर बना दिया था, उसी औरत जात की नंगी तस्वीर तुम्हारे सामने खड़ी है। वकील साहब, कोई भी बाजारू औरत पैदाशी तवायफ नहीं होती, बल्कि समाज के ठेकेदार अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे अपना जिस्म, अपना जमीर, अपना बेचने पर मजबूर कर देते हैं, और एक तवायफ के पास रह क्या जाता है, मौत से भी बदतर जिंदगी। मैं हर शाम जिंदा होती हूँ और हर सुबह मर जाता। इस जलील जिंदगी और भयानक मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम। हाँ हाँ, तुम। उसी मरी हुई जिंदगी को जिंदा रखने के लिए मैंने दौलत समेटने की कोशिश की, लेकिन चांदी के चंद सिक्कों के लिए मैं शियों में आग लगा दी, आग मैं जला कर खाक कर दूँ। खाक लो, पियो, पियो। हेलो, सुनीता बोल रही हूँ। मैं लीली, शहर के मशहूर एडवोकेट रम शराब की नशे में धुत इस वक्त मेरे बेहोश पड़े हुए हैं। आज मैं आपकी और अपनी हार का बदला लेने जा रहा हूँ। अगर मैं कहीं फंस गई तो बचा लेना वकील साहब। लिली, लिली, ओ लिली, लिली, हेलो। कुछ नहीं साहिबा, अपनी बर्बादी के दुश्मन को ता के लिए ऊपर भेज रही हूँ। अमर एक नामी वकील वेशा की कोठे से शराब के नशे में धुत सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर पड़े और राम नाम सत्य हो गया। नीनी, आखिर कितनी बात दिखा दी बेशरम। कोई बात नहीं मैम साहब, वेशा के कोठे पर जो कदम एक बार बैठ जाते हैं वो कभी नहीं संभलते। जब कदम दोबारा कोठे पर आएंगे तब तुम्हें कौन बताएगा, तब देख लूंगी इस वकील के बच्चे को। क्यों, मिलन की रात का बड़ी जल्दी सवेरा होगा, चुप क्यों हो? चोर की जुबान थोड़ी ही होती है, बोलो बोलते क्यों नहीं? लो मालो अपने मांग के सिंदूर को। हाँ हाँ, जिसे तुम मेरी मांग से चुरा कर अपनी मांग में भरना चाहिए हो। तुम जैसी अनपढ़ बदमिजाज और शक्की औरत अपने घर की बर्बादी का कारण होती है।
तुम जैसी औरत की बदसलूकी की वजह से मर्द फट और गंदे ना जाता है, सुकून पर शाद करता है कम गलत करने के लिए, और जब मर्द भटक जाता है तो इल्जाम दूसरों के सर पे थोप दिया जाता है। अरे जाजा, बड़ी आई शिक्षा दे वाली, खुद तो चोर, दूसरों को आई शराफत का पाठ सिखा दे। अरे तेरी मांग में ये सिंदूर का रंग तो कब से उड़कर सफेद हो गया, अब ये लाल रंग प्रतिमा पे उतर आया है। सुनीता के साथ रंगरेलियां मना रहे हैं, देवी के लिए कोई फर्ज ही नहीं, सुनीता को गई जाते हैं तो मुझसे शादी नहीं नहीं नहीं। तू अमर बाबू के काबिल नहीं है, फिर क्या अधिकार है मुझे जीने का, जब मेरा प्यार नहीं पा सकती तेरा तो फिर क्यों जीती हूँ। नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है जीने का, नहीं मैं नहीं जी सकूंगी, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। तुम यही ठहरो, मैं भगवान के दर्शन करके आती हूँ। ठीक है। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ, पति के प्यार का सूनापन अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब तो एक ही रास्ता रह गया है, वो गलत हो या सही मैं नहीं जानती। मेरे प्यार और सती, आज मैं अपने सुहाग का सिंदूर तुम्हें अर्पण करती हूँ भगवान, मेरी मांग का सिंदूर तुम्हें वापस करना ही होगा भगवान, मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी भगवान। अरे क्या हो गया, इस तरह से क्यों देख रही हो, भगवान ने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह से रो रही हो? कुछ नहीं, यूं ही दिल पर आया, अपने देवता से अपने के की क्षमा मांगने गई थी, हमारा जन्म मंत्र तक साथ रहे यही तो मांगने गई थी मैं। रेनू आज ये कैसी बहके बहके बातें कर रही हो? आज मुझे सुनीता के घर चलेंगे ना? सुनीता? मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे लेकिन इसकी जरूरत है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ। ओ सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, मैं अपने पागलपन में ना जाने क्या कुछ कह गई आपको, क्या आप मुझे आप नहीं करेंगे सुनीता जी? नहीं नहीं, ये क्या बात है, इंसान से हो ही जाती है। आप कितनी अच्छी हैं सुनीता जी। हाँ प्लीज बैठिए ना। आप दोनों कुछ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी खुशी तो आप ही की देन है, आज इन्होंने इस शुभ अवसर पर देखिए ना मुझे ये हार दिया है, बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत आपके हाथों से करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, तो फिर पहना दीजिए ना, आपके हाथों से कितनी शान रही है। भगवान करे ये शांति अमर हो जाए। आओ जी। नहीं नहीं, मगर तो फिर कल शाम को आप हमारे घर चाय पीने रही है ना? लेकिन 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 कुछ नहीं, देखिए जी इनको लाना आपका जिम्मा, तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं, नहीं पर देखिए अगर आप शाम को नहीं आए समझूंगी आपने मुझे क्षमा नहीं किया, आप आएंगी ना? अच्छा मैं आऊंगी। अच्छा सुनीता जी नमस्ते। चलिए
थी प्यार की एक दिन हेलो रेनो सुनीता जरा पानी लाना शायद बेहोश हो गई हाँ रेनो ये बेहोश नहीं इंस्पेक्टर साहब सबने इसको जहर दिया है जहर नहीं ये मर चुका है साहब मैरी क्या कर रही हो तुम क्या है सब ये खूनी है आप इनको अरेस्ट करो फोटोग्राफर फोटो लो आई एम सॉरी यू आर अंडर अरेस्ट हवलदार बॉडी को कस्टडी में लो हेलो कर्नल साहब हाँ राजेंद्र बोल रहा हूँ आज शाम इन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने अमर को अरेस्ट कर लिया है पेशेंट इज वेरी सीरियस बचने की कोई उम्मीद कांट से तो मैं डॉक्टर पिल्ले को फोन करती हूँ प्लीज डू इट प्रोसिक्यूशन प्रोसीड थैंक यू योर ऑनर मिस्टर अमर क्या सच है कि आपकी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी माँ बाप की मर्जी पूरी करना हर औलाद का फर्ज होता वेरी गुड क्या आपकी पत्नी अनपढ़ थी और आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी जी नहीं ऐसी कोई नहीं इसका मतलब यह है कि आप अपनी पत्नी रेणुका देवी से प्यार करते और आपने कभी यह महसूस नहीं किया कि वो आपके लायक नहीं थी जी जी नहीं इसके बावजूद आए दिन शिकवे शिकायत लड़ाई झगड़े होते रहे ये तो घर घर की कहानी है वकील साहब आपने अपने स्टैंडर्ड और एजुकेशन के मुताबिक इसमें थोड़ी सी एडिशन की एडिशन मतलब यह है कि एक तरफ आप अपनी पत्नी प्रेम की माला जप रहे थे और दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका यानी सुनीता देवी से रास लीला रचा रहे थे I object your honor मिस सुनीता देवी और मिस्टर अमर दोनों वकील हैं दोनों का प्रोफेशन एक है दोनों अक्सर मिलते जुलते हैं और अदालत में खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी लड़ते हैं मगर एक दूसरे से प्यार करते हैं इसका कोई सबूत नहीं मेरे फाजिल दोस्त भूल रहे हैं कि इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपते मीलाट सबूत के तौर पर मैं मिस मेरी को गवाह की सूरत में पेश करना चाहता हूं मिस मेरी को हाजिर किया जाए मिस मेरी हाजिर हो इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर आप कहिए आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी हम जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा मिस मेरी तुम अमर बाबू के घर कब से काम करती हो जब से साहब मेम साहब को शादी करके घर लाया उस दिन से तुम्हारा साहब तुम्हारी मेम साहब को बहुत प्यार करता था हाँ साहब जब नया नया था तो बहुत प्यार करता था 6-7 महीने के बाद दोनों में आपस में खटपट शुरू हो गया थोड़े दिन के जोर जोर से झगड़ा होता था साहब
और जब भी झगड़ा होता था मैं सब सुनीता देवी का नाम लेता था। ये सारे झगड़े का जड़ साहब सुनीता देवी है। हमारा मेम साहब तो बहुत अच्छा था, हमारा मेम साहब बहुत अच्छा था साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। इसके अलावा सुनीता देवी के डेयरी कर्नल बलबीर सिंह को खून की जरूरत पड़ी तो अपने को सच्चा आशिक साबित करने के लिए मिस्टर अमर ने अपना खून पेश किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये इंसानियत का तकाजा है, आशिकी का सबूत नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मेलॉर्ड। एक दिन मेलॉर्ड मिस्टर अमर अपने इश्क पर काबू पा सके और बड़ी महफिल में उन्होंने अपनी महबूबा का हाथ प्यार से थाम लिया, जिसे रेणुका देवी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने दीवारों से टकरा कर अपना सर फोड़ लिया। आपको याद होगा मेलॉर्ड, 14 अक्टूबर की शाम को एक भयानक तूफान आया था। उस तूफान में मिस सुनीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त भी उनकी जान बचाने के लिए मिस्टर अमर ही वहां पर मौजूद थे। मेलॉर्ड, जब भी ऐसे हादसे हुए मिस्टर अमर वहां पहुंच गए, यह महज एक इत्तेफाक है मेलॉर्ड। मेलॉर्ड, इसे इत्तेफाक कहा जाए या करिश्मा, पर जब जब सुनीता जी पर मुसीबत आई तब तब दुनिया में मिस्टर अमर ही अकेले थे जो भगवान कृष्ण की तरह प्रकट हो जाया करते थे, जैसे कि सारा संसार मनुष्यों से खाली है। ऑर्डर ऑर्डर। मेलॉर्ड, हमारे फाजिल दोस्त मिस्टर अमर को बेगुनाह साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि अदालत को झूठे सच्चे अफसरों की नहीं बल्कि ठोस सबूतों की जरूरत हुआ करती है, जो कि मैं पेश कर चुका। मैंने ठीक वक्त पर पुलिस को खबर कर मिस्टर अमर को जाए वारदात रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था, जो कि इंस्पेक्टर कुमार के रिपोर्ट में दर्ज है। मिस्टर अमर ने अपने अपवित्र रिश्ते को पवित्रता का रूप देने के लिए रेणुका देवी को जहर दे दिया था, क्योंकि वो महसूस करते थे कि उनके प्यार और आजादी के बीच एक घुटन सी थी और वो घुटन थी मासूम रेणुका देवी की जिंदा सांसें। मेलॉर्ड, मिस्टर अमर जैसे कानून जानने वाले ने न सिर्फ समाज और इंसानियत का खून किया है बल्कि कानून का भी खून किया है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे खतरनाक मुल्जिम को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि कानून के मुहाफिज कानून तोड़ने की कभी जरूरत ना कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। फैसला कल सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। भाई वकील साहब, आपके दोस्त वकील साहब मिलने आए हैं। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है अमर, केस बड़ा वीक हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। समझ में तेरे भी नहीं आता कि मैरी ने मेरे खिलाफ क्यों गवाही थी। मैरी? Congratulations, your patient is much better. Oh, thank you doctor, thank you much. A
अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले डिफेंस को और एक मौका देना चाहती है। अगर वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं सरकारी गवाह मिस मेरी को दोबारा बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। सरकारी गवाह मिस मेरी डिसोजा को अदालत में दोबारा हाजिर किया जाए। मिस मेरी डिसोजा हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कहिए, आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। हम सच बोलेगा। मिस मेरी, तुमने अदालत में बयान दिया था कि तुम्हारी आंखों के सामने मिस्टर अमर इन्होंने जबरदस्ती रेणुका देवी को जहर दिया था। ये सच है। हाँ, फिर ये भी सच है मिस्टर अमर मल्होत्रा बेगुनाह है और रुपयों के लालच में मिस मेरी ही रेणुका देवी का खून किया है। नहीं नहीं, कोई खून नहीं किया, हमने कोई खून नहीं किया। Speak the truth, my child. 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 मेरी, यहाँ बैठ। जी, यहाँ बैठ ना मेरी। मेरी, तो मुझे बहुत चाहती है ना? हाँ मैम साहब। और सबको? हाँ मैम साहब, सबको भी बहुत चाहती है। तो सच कह रही है ना मेरी? हाँ। खा मेरे सर की कसम। जीसस का कसम मैम साहब, लेकिन मैं भी डराती हूँ। अगर तेरा साहब मुझे प्यार नहीं करता, वो सुनीता को बहुत प्यार करते हैं मेरी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी हर पत्नी अपने पति के बिना अधूरी होती है मेरी। मैम साहब, क्या हुआ मैम साहब? इस तरह मैं अधूरी, मगर मैं इस तरह अधूरी नहीं जाना चाहती। मेरी, मैं थोड़ी देर की जहर। नहीं मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, ऐसा क्यों किया मैम साहब? नहीं 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 मैम साहब, क्यों किया मैम साहब? मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसा डॉक पेश कर रहा हूं जो इस केस की नवियत को बदल कर रख देगा। शक और जहालत शान को नीचे गिरा। मिसेज रेणु को दोषी की है, पर मैं उन्हें पति प्रेम की दीवानी ही कहूंगा। उनका अशिक्षित होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए सबूतों के बिना पर निर्दोष पाकर बा इज्जत बरी करती है। सर, मैंने उन्हें ना समझी से किया। जिसकी सजा वो पा रहे हैं, क्या वो मुझे माफ कर देंगे? तुम्हारे सच्चे प्यार ने क्या जीवन दिया है? रेनु, मुझे माफ कर दो अमर, मुझे माफ कर। प्यार की लाइन कहीं तो एक हो जाए दो दिन। प्यार की लाइन कहीं तो एक हो जाए दो दिन। प्यार जग सोना सोना, प्यार बिना जग सोना सोना, प्यार बिना।